सड़क हादसे में मैनपुरी में तैनात, एडीजे पूनम त्यागी की मौत, डिवाइडर से टकराई कार। करहल में एक्सप्रेसवे पर एडीजे की गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सैफई पीजीआई पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सड़क हादसे में एडीजी की मौत हो गई। फिरोजाबाद के सिकुआबाद में मंगलवार सुबह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नंगला खंगड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत माइलस्टोन 65 के समीप मैनपुरी में तैनात एडीजे पूनम त्यागी की कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें चालक और एडीजे गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी होते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए। गंभीर रूप से घायल एडीजी और उनके चालक को सैफई पीजीआई में भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद एडीजी को मृत घोषित कर दिया, जबकि चालक का उपचार चल रहा है। छुट्टी बिताने के बाद लौट रही थी मैनपुरी। दो दिन की छुट्टी बिताने के बाद एडीजी पूनम त्यागी अपनी कार से मैनपुरी आ रही थी, जब उनकी कार आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 65 माइलस्टोन के समीप पहुंची, तभी चालक को नींद आ गई, जिससे कार आगे जा रहे ट्रक में पीछे से घुस गई। कार को सचिन पुत्र संतराम निवासी कस्तला थाना इंचौली जिला मेरठ चला रहा था। हादसा होने के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे अधिकारी दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी होते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। तत्काल प्रभाव से घायलों को पीजीआई सैफई भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने पूनम त्यागी को मृत घोषित कर दिया। क्षतिग्रस्त कार पुलिस चौकी उरावर पर खड़ी करा दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि पूनम के पति भी मेरठ न्यायालय में तैनात बताए गए हैं। इस संबंध में एसपी ग्रामीण रण विजय सिंह ने बताया कि हादसे में मैनपुरी में तैनात एडीजे पूनम त्यागी की सड़क हादसे में मौत हो गई है। सबका पोस्टमार्टम सैफई पीजीआई में कराया गया है। देखिए, आज सुबह लगभग 9 बजे के आसपास एक होंडा एमएस कार थी, उसमें मैनपुरी में तैनात एडीजी साहब उसमें जा रही थी और उनके साथ ड्राइवर था। ये जो कार थी, उस कार की एक ट्रक के साथ टक्कर हुई। ट्रक आगे चल रहा था, उसमें से ये कार जाके लड़ गई थी उसमें से, और उसके बाद जो ट्रक का नंबर प्लेट था वो वहाँ गिर गया था। और इस घटना की सूचना पर तत्काल मौके पर हमारी टीम पहुँची। हम लोगों ने तत्काल मैडम को वहाँ से सैफई हॉस्पिटल शिफ्ट किया, लेकिन वहाँ पे इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। बाकी इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रक का नंबर हम लोगों के पास है, हम लोग उसको भी ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि घटना के समय ट्रक आगे था, वो भाग गया वहाँ से, और सूचना जब मिली, जब पुलिस पहुँची, तब तक वो काफ़ी दूर चला गया था। और उस नंबर प्लेट के मिलने के बाद से हम लोगों ने उसको लोकेट करने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक वो शायद कहीं बाहर निकल गया होगा। हम लोग उसको बहुत जल्दी लोकेट करेंगे। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।